स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 17/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। इसी तरह का क्वेश्चन और चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, जहाँ इसके PDF आपको मिल जाएगा। शिफ्ट 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 300 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का, ठीक है। वहां से आपको सारा का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। आज देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। एक चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी 33,650 रुपये है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में कुल कितने खर्च किए गए, ठीक है। एक परिवार का मेन्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हैं। इसमें टोटल खर्च कितना दिया हुआ है, 33,650 रुपये। पूछा है किसका किसका, मनोरंजन और क्या चीज़ का पूछा है, मनोरंजन और भोजन। मनोरंजन फूड यहाँ पे 25%, ठीक है। मनोरंजन कितना है यहाँ पे, इंटरटेनमेंट 9%। इसी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 100% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 34%। तो 34/100 कर देंगे, इसी को कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11441 आएगा, ठीक है। 11441 आएगा, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, CO H2 Cu + H2 यह समीकरण निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, रेडॉक्स का। किसका उदाहरण है, रेडॉक्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या दिया गया है। तो उसमें क्रम, जाति, परिवार नहीं, क्या होगा, नस्ल, स्पीसीज के आधार पर कि वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण किया था, टैक्सोनॉमी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दे, कमी कह रहा है। तो विटामिन के की कमी से जो है खून थका नहीं बन पाता और बहते ही रह जाता है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो उसका खून जल्दी थका नहीं बनता और कटने छटने पर बहुत ज़्यादा खून बर्बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला लगा देंगे 1/f = 1/u - 1/v, ठीक है। सब चीज़ का वैल्यू बैठा देंगे। एक वस्तु का वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल, f का वैल्यू दिया हुआ है 1/10, ठीक है, बराबर। u का वैल्यू हम लोग को निकालना है, u नहीं दिया हुआ है, u का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो 1/u = कितना हो गया, 1/10 - 1/30, ठीक है, 1/30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे ये 3 बार में कटा 3, इधर कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया, 2/30। जब इसको कटा देंगे तो कितना हो गया, 1/15, यानी कि कितना दूरी पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो मेन फार्मूला यही है, 1/f = 1/u = 1/v। अगर लेंस से संबंधित कोई भी फार्मूला यानी कि क्वेश्चन है तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1/
वन बाय एफ बराबर वन बाय यू माइनस वन बाय भी। माइनस यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि उत्तल लेंस था। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। ये सब कहाँ बैठे हुए हैं, एक गोल मेज पर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, डी पांच आदमी हैं, एक दो तीन चार पाँच। डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है। डी मान लेते हैं, डी किसके किसके बीच में बैठा हुआ है, ए और एफ के बीच में। या तो एफ यहाँ हो सकता है या तो ए यहाँ हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। अब सेकंड क्या कर रहा है, सी बी और एफ के बीच में बैठा है। सी जो है, सी बी और एफ के बीच में बैठा है। अगर बी वहाँ है तो सी यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बी, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि पहचानने के लिए कि दोनों ही समीकरण बहुत ज़रूरी है, बी का पोजीशन जानने के लिए, बी का पड़ोसी कौन कौन है। जब तक दोनों समीकरण हम ना लिखेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा बी का पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी या एफ, या ए या एफ हो जाएगा। एफ यहाँ ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो किसके किसके सी बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में। तो दोनों कथन जरूरी था इस आंसर को, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वन और टू दोनों जरूरी था। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसे कि किसके कारण होता है। तो ऐसा होता है CaCO3 के कारण। किसके कारण होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फरवरी 2018 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कौन से भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ को उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका नाम क्या है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्या नाम है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। दिए गए व्यक्तियों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्षण वाक्यों को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ कीड़े पक्षी है, क्या है, कीड़े, कीड़े क्या है, पक्षी है, ठीक, पक्षी है। फिर क्या कह रहा है, सभी पक्षी फल है, सभी पक्षी क्या है, फल है। कारण क्या कह रहा है, निष्कर्षण, सभी फल पक्षी है, सभी फल पक्षी है, गलत है, सभी फल पक्षी नहीं है, कुछ है, क्योंकि ये यहाँ इतना समय ही सिमट गया है। तो पहला गलत है। दूसरा क्या रहा है, कुछ कीड़े फल हैं, जब पक्षी हैं तो फल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया क्या है, फल है। तो ए वाला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट, कीड़ा और फल दोनों हो सकते हैं, तो ये सेकेंड वाला क्या है, सही है। निष्कर्षण दो सिर्फ सही है, केवल दो अनुसरण करते हैं। किसी व्यक्ति को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाकर ऑफिस एक मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है, तो घर से ऑफिस जाने में वह कितने दूरी तय करता है। ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फार्मूला है, जहां दूरी आप निकाल सकते हैं S1 × S2 / S1 − S2, ठीक है, बराबर इंटू समय का अंतर, समय का अंतर का योग कह सकते हैं, ठीक है, समय का अंतर का योग कह सकते हैं। अब यहाँ से हम देख लेंगे, फिर दूसरे फार्मूला से भी इसको बना के देखेंगे। जैसे S1 40 क्या है, पहला है 40, S2 कितना है, 36, ठीक है, बाय, यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, इनटू एक मिनट और यहाँ पे 3 मिनट है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 4, 4 मिनट को हम लोग बदल देंगे घंटा में, तो बाय 60 कर देंगे। अब यहाँ से कटा देंगे, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल,
ठीक है, ये 36 है, यहाँ से 6 से ये 6 टाइम में पार, और 6 गुना 4 कितना आ गया 24 किलोमीटर, क्या आ गया 24 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या है, एस वन इंटू एस टू बाय एस वन माइनस एस टू इंटू समय का अंतर में जितने हैं दोनों का योग चाहिए, जितने का समय एक मिनट का, दोनों अगर अपोजिट में है तब ऐड होगा, अगर दोनों एक ही, अगर पहले दोनों कंडीशन में पहले ही पड़ता है तो यहाँ पे टाइम में माइनस करेंगे, तो ये बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चार विकल्प में से नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का जल पड़ने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा, पूछ रहा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो ऐसे सवाल को पहले यहाँ पे कर दे, उसके बाद जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ए वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ऊपर आ जाएगा ए वाला पार्ट, ठीक है वहाँ पे नीचे है तो इस तरह आ जाएगा, फिर ए वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा, फिर ए वाला पार्ट यहाँ से आ जाएगा, ऐसा सिंबल जिसमें रहेगा वही बनेगा, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी से आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम अपोजिट हो जाएगा, अगर दर्पण करता तो फिर इधर वाले से कंपेयर करते हैं, ऑप्शन डी क्या है राइट है। एनटीपी गैस में एक्स गैस के 10 ग्राम का आयतन इतना लीटर है तो एक्स का आणविक भार क्या होगा, यहाँ पे एनटीपी का दिया हुआ है कितना है, एनटीपी दिया है 40, कितना दिया गया 40 ग्राम, ठीक है एक्स का द्रव्यमान दिया गया है, एक्स का द्रव्यमान दिया गया है, एक्स का द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि एम का वैल्यू कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया गया है, ताप, ताप कांस्टेंट ही रहेगा, कितना होगा ताप कांस्टेंट कुछ नहीं दिया है तो लेंगे 298 केल्विन, ठीक है क्या लेंगे 298 केल्विन। अब आयतन, आयतन दिया हुआ है कितना, आयतन दिया हुआ है तो यहाँ रह जाके 5.6 लीटर। अब पूछ रहा है क्या, हम लोग जानते हैं कि एक मोल एनटीपी का वैल्यू कितना होता है, एक मोल एनटीपी का वैल्यू होता है 224 मोल, ठीक है कितना होता है 224। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, होता क्या फार्मूला, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी का, तो यहाँ पे देख लेंगे तो एम बराबर क्या आ जाएगा वी, यहाँ पे क्या है दोनों नियत है, नियत है नियत, ठीक है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा एम वन बाय वी वन, इधर हो जाएगा एम बाय वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सारे का वैल्यू पुट कर देंगे, एम का वैल्यू कितना है, एम वन का वैल्यू कितना है 10 ग्राम, एम वन का वैल्यू कितना है 10 ग्राम, आयतन कितना दिया है, वैल्यूम कितना दिया है 5.6 लीटर, 5. कितना दिया गया है 6 लीटर। अब इधर हमको क्या निकालना, एम कांस्टेंट दिया है तो एम का वैल्यू हमको निकालना ही है, अब वी का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है एनटीपी का वैल्यू। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वी का वैल्यू एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एम का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 22.4 बाय 5.6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जाके सॉल्व कर ही देते हैं, कितना कितना है 22 पॉइंट इतना, यहाँ से दशमलव दशमलव कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से 56 है, ये 224 है, तो कितना टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 ग्राम, कितना हो गया 40 ग्राम, 40 ग्राम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, इसे याद, फार्मूले को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे देख रहे हैं हम लोग की शिफ्ट आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन टफ होते जा रहा है, पहले का क्वेश्चन आसान था, धीरे धीरे क्या हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक डेटा के माध्यमिका और बहुलक को ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है, ए बी का अनुपात 9.8 है, 9:8 है, तो बी सी क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बी शिव, सी का सी किसके लिए है? बहुलक के लिए है। माद मादिका दिया है, बहुलक का वैल्यू पूछा है, तो बहुलक बराबर होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, क्या होता है माइनस 2 इंटू माध्य, बस इसी का वैल्यू बैठा देना है। बहुलक बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, माध्य का वैल्यू कितना दिया है, माध्य का वैल्यू दिया गया 9, 3 इंटू 9, ठीक है, 3 माध्यिका का वैल्यू 8 दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है 8 दिया गया है, 8 माइनस 2 इंटू 9, मान लेते हैं रेशियो में दिया है तो इसमें क्या लगा देंगे x लगा देंगे, तो कितना हो गया 24x माइनस 9 दुना 18x, तो यहाँ से बहुलक का वैल्यू कितना आ गया, इसको माइनस कर दे देंगे तो 6, बहुलक बराबर आ गया कितना 6x, बहुलक बराबर आ गया 6x। हमको पूछा क्या है बी और सी, बी किसके लिए, माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए क्या है बी, बहुलक के लिए क्या हो गया सी, इसी दोनों का रेशियो पूछा था, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से ले सकते हैं 8, और बहुलक का वैल्यू कितना आया है अभी निकाले थे 6x, इसको कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, एक कट जाएगा 4 times में, एक कट जाएगा 3 times में, तो इसका रेशियो क्या हो गया 4:3, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो ये फार्मूले पे है, फार्मूले बराबर होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य, तो ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है लोहे जो कि गुणों को कोबाल्ट और निकेल जैसे होते हैं इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसके कमियों में से एक था, तो ये किसके कमी में थे, न्यूलैंड्स के अष्टक्स नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूलैंड्स के जो अष्टक्स नियम थे सारे गामा पादा निशा उसी के अनुसार रखा गया है। अगला क्वेश्चन है संख्या x3331 को 11 से विभाजित हो तो x का स्थानीय मान क्या है, ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ गया है 3331 दिया गया है, कह रहा है 11 से विभाजित होने का शर्त क्या है कि इसमें सेम सम और विषम, क्या इसमें सम और विषम, जैसे ये सम हो गया तो इसका और इसका वैल्यू का अंतर 0 होना चाहिए या 11 के गुणज होना चाहिए, ठीक है, तो वो 11 से विभाजित होगा। देख लेते हैं इसको 1+3+x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके ये x और इसके बराबर होना चाहिए, 3+3 के बराबर होना चाहिए, इधर कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 3 × 4+x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 6 है इधर 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि x के जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 11 से कटने का नियम है कि सम और विषम संख्याओं का अंतर 11 हो या 0 हो तभी 11 से विभाजित कर सकते हैं। किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रजनी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया, तो इसने विदर्भ जो है वो पहली बार जीता है, सबसे ज़्यादा बार बॉम्बे जीता है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में किस भिन्न का चयन करें, भिन्न इसमें से 4 जो दिया गया है एक भिन्न है इसको चयन करें, ये इधर से घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन 3 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डिफरेंट कौन होगा 3 क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिनमें एक बीघा के 5 कट्ठे में क्या बोया जाता था, नील की खेती किया जाता था, क्या चीज़, इंडिगो, नील की खेती किया जाता था।
अगला क्वेश्चन, मान ले कि एक वैकल्पिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे है और त्रिज्या एक तिहाई है, पृथ्वी के त्रिज्या की एक तिहाई है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उसे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पे सब कुछ का वैल्यू पहले हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। मेन फार्मूला होता है, देख लेंगे, जी एम बटे आर स्क्वायर मेन फार्मूला होता है। अब यहाँ से पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग देखा लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई से लिखेंगे, अर्थ, ठीक है। और ग्रह ये तो हो गया पृथ्वी का, लेकिन ये अर्थ का और ग्रह का जो होगा वो एम ई बाई टू। एम ई बाई टू क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के बराबर का एम ई बाई टू। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग को पता है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या लेते हैं, आर, ठीक है। तो ग्रह की त्रिज्या क्या होगा, आर ई। आर ई क्यों लिए, क्योंकि अर्थ है तो, ठीक है, अर्थ सिंबल करता है। तो जो ग्रह था उसका क्या हो जाएगा, आर ई बाय थ्री, क्योंकि इसका 1/3 था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रह का क्या हो जाएगा, आर थ्री। हम लोग जानते हैं कि जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम बाय आर स्क्वायर का, किसका, एम बाय आर स्क्वायर का। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखेंगे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एम ई बटे आर ई टू बटे हो जाएगा एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्रह का और पृथ्वी का दोनों का लिख दिए। अब देखेंगे आगे क्या होगा, जी ई बाय ए अर्थ का हो गया, ए ग्रह का हो गया, क्या हो जाएगा, एम ई एम वन बराबर, इधर त्रिज्या आ जाएगा, एक ग्रह का त्रिज्या है और ये अर्थ का त्रिज्या है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा अर्थ का यानी द्रव्यमान और ये ग्रह का द्रव्यमान। अर्थ का जितना द्रव्यमान है उससे आधा किसका है, ग्रह का, तो बाय टू कर देंगे। और इधर हो जाएगा अर्थ का त्रिज्या, यानी कि अर्थ का त्रिज्या ग्रह के त्रिज्या के कितना है, 1/3 बाय आर, ठीक है, आर ई अर्थ का त्रिज्या। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि आर जी बराबर होता है एम बाय जी हो आर का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी अर्थ का बाय ग्रह बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2/9g। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/9g, यही फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो छोड़ देना, बहुत लेंदी होता है, इसमें समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, शेर बाघ पशु, शेर बाघ पशु, पशु के अंदर ही दोनों आता है। तो पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा, तीसरा भी ख़त्म हो जाएगा, चौथा सही है। ये वाला हो जाएगा पशु, ठीक है, ये हो गया बाघ, दोनों मांसाहारी है, ये हो गया शेर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। दिए गए व्यक्त पर विचार करें और तय करें कि दी गए मान्यताओं में कौन सी निहित है। एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, एक विज्ञापन दे रहा है कि एक वर्ष में अपने पैसे 3 गुना करें। मान्यता क्या है, आवश्यक आश्वासन सच्चा नहीं है, जो बोल रहा है वो सच्चा नहीं है। दूसरा क्या है, लोग चाहते हैं कि उनके पैसे बढ़ जाए, ठीक है।
हो सकता है सही हो गलत हो बात की बात है, लेकिन ये प्रचार के अनुसार क्या लगता है कि लोगों की पैसा बाहर जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 ही केवल क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्णय करें कि कथनों में कौन से निष्कर्षण का तर्कसंगत के रूप से पालन हो रहा है। सचिन अच्छा बल्लेबाज है, सचिन क्या है अच्छे बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। अब निष्कर्षण क्या करें, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सचिन बुद्धिमान है, सचिन बुद्धिमान है, ये नहीं कि जितने भी व्यक्ति बुद्धिमान है सारा क्या है बल्लेबाज है। सचिन बुद्धिमान हो सकता है, बल्लेबाज भी है बुद्धिमान भी, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे क्या है सही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर दिखाया गया अनुपस्थित अक्षर विकल्पों के अनुसार चयन करें। तो यहाँ पे किया गया है तीन तीन का माइनस किया गया है, Q N K H, ये होता है 17, ये होता है 14, ये होता है 11, ये होता है 8, तो तीन तीन का माइनस हो रहा है, तो यहाँ अगले में भी तीन का माइनस करेंगे क्या होगा 5E, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा सही। रीजनिंग का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो अमोनिया का होता है NH3, तो ये हो गया 14 + 1 × 3, तो कितना हो गया 14 + 3 17, 17 कितना हो जाएगा 17 राइट आंसर। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, NH3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें, इतना को हल करें, यहाँ से पहले भाग का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर भाग का काम होगा, भाग दो जगह है लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, 3 से 3 बार में कटा ठीक है, और 3 × 9 कितना हो गया 27, लेकिन आगे क्या है माइनस का चिन्ह है और आगे क्या है 19, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 - 8 हो जाएगा, और आगे क्या है भाग, आगे क्या चीज़ का सिंबल है भाग, इसका अंदर क्या है माइनस का चिन्ह, इसको कटा देंगे कितना बार में 3 बार में, लेकिन इस 8 का आगे क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को हल करें, इसे जोड़ना है, तो इसे जोड़ने का नियम क्या है कि सबका जो है दशमलव एक स्थान पे एक सीधे पर होना चाहिए, 1 2 3 है इसमें दशमलव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है 12.3, तो 12 यहाँ पे, दशमलव इधर 3 ठीक है, फिर है 1.23, तो 1 यहाँ पे 2 3 ऐसे करके, फिर 0.123 ठीक है, गलती लिख दिए हैं, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं ठीक है, क्या है 1 2 3, अगला क्या है 12.3, उसके बाद क्या है 1.23, उसके बाद क्या है 0.123, उसके बाद क्या है 0.0123 ठीक है, बस इसी को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए वाला 3 2 5, ए वाला काम खत्म, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 ठीक है, यहाँ पे 3 2 5 1 6 ठीक है, अब दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 3 2 5 1 6 2 1 3, 1 का 1 136.6655 5 3, तो जोड़ने का है कि इस तरह सबका दशमलव एक सीधे पे होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए, इधर उधर देने से गलती होगा। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितना होगा। इसे आप आसानी से भी बना सकते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ है 5% ठीक है, आर बराबर 5% दिया गया है, टाइम दिया गया है 3.1, क्या दिया गया 3.1/4 वर्ष ठीक है, और ये मिश्र धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्र धन, कितना दिया हुआ है 2790 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग समय में बदल देंगे, तो कितना हो गया 4 × 12 = 13, 13/4 वर्ष ठीक है,
तो हम लोग परसेंटेज जो निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेट और टाइम को इंटू कर देते हैं, रेट इंटू टाइम को इंटू कर देते हैं। तो 5 गुना कितना आ गया, 13/4, तो क्या इतना हो गया 13/65/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16.25 ब्याज है। तो अब टोटल कितना हो गया, पूंजी कोई भी पूंजी होता है तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% प्लस 16.25, इसी का वैल्यू कितना है, 2790। तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, पूंजी चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2790 गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116.25/100 हमको, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ये आएगा तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल माने प्लस, एम माने माइनस, एम माने इंटू, पी माने डिवाइडेड। तो इतना को सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है, इतना को क्या कर रहा है, सॉल्व करने कर रहा है। देख लेते हैं क्या क्या है, 8, 9, 16, ठीक है, 16, 3, 13। अब जिसका जिसका वैल्यू, एल का वैल्यू क्या है, एल जहाँ पे, यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है, प्लस। एल किसके किसके बीच है, 9 और 60 के बीच, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, एम, एम का मान क्या, माइनस। एम कहाँ पे है, एम और 3 के बीच, 13 और 3 के बीच माइनस। ठीक है, एन, एन का मान क्या है, इंटू, इंटू कहाँ पे है, 8 और 9 के बीच में। पी, पी का मान क्या है, पी किसके किसके बीच है, 60 और 3 डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले यहाँ से डिवाइडेड का काम कर देंगे, कितना हो गया, 20, यहाँ पे इंटू कर देंगे कितना हो गया, 72, ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो 13। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 72 20 कितना हो गया, 92 माइनस 13, जब इसे घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 79। 79 क्या है, राइट आंसर। फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिसर्जेंट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित किया गया है, तो ये कौन है, ये है इरफान खान। कौन है, इरफान खान। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के की, सिक्के का कम मूल्य कितना दिया हुआ है, 93 रुपये 75 पैसे हैं, और इनकी संख्या का अनुपात क्या दिया गया है, 3:4:5 दिया हुआ है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से हम लोग आसान से सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का, और ये 25 पैसे का। सबका वैल्यू पहले हम लोग देख लेते हैं, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्का, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रुपये। 25 पैसे के 5 सिक्के, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.25 रुपये। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 रुपये 25 पैसा। 6 रुपये 25 पैसा 1:1 में हुआ तो ये कितने का है, 93.75। इसको डिवाइडेड कर देंगे कितना से, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6.25 से डिवाइडेड कर देंगे। इसको जब डिवाइडेड कर देंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 15 बार में, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 15। अभी 15 से सबको गुना कर देंगे, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45। 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60। 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75। यही हो जाएगा सिक्के की संख्या, क्या हो जाएगा, 45, 60, 75। बहुत ही आसान था, पहले क्या करेंगे, सिक्के को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 रुपये का 3 सिक्का है तो 3 रुपया होगा, 50 पैसे का 4 सिक्का है तो 2 रुपया होगा, 25 पैसे का 5 सिक्का है तो 1.25 रुपये। ये सारे को ऐड कर देंगे और रुपया से डिवाइडेड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसे रेशियो से इंटू कर देंगे।
तो हम लोग यहाँ आज इसके क्वेश्चन देखे, आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय।